SI कर्नाटक स्टेट पुलिस, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। देखिए आप जो है PSI सिविल 21.ksp-online इनको आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद देखिए राइट साइड जो बटन है 3 ये नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करिए। राइट साइड आप इसे क्लिक करिए, फिर उसके बाद देखिए न्यू एप्लीकेशन डाउन में जाइए, न्यू एप्लीकेशन आप उसको क्लिक करिए। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे तो आप और थोड़ा सा नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखा रहेगा, देखिए लास्ट में आई एग्री पे अब आप क्लिक करिए, देन सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे, देखिए अभी आ रहा है, अभी ये टाइम ले रहा है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, ये स्क्रीन आ गई। देखिए अब इसमें जो है आप शुरू हो जाइए। आप डायरेक्ट, मैं खास कर ये स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट कैंडिडेट पे जो है वो क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए आप अपना नाम इंटर करेंगे, फिर मदर का नेम इंटर करेंगे, फिर फादर का नाम, फिर जेंडर आप इंटर करेंगे, फिर एड्रेस, स्टेट का नाम, फिर एरिया का नाम, फिर तालुक का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम आप इंटर करेंगे, देन स्टेट इंटर करेंगे, देन पिन कोड इंटर करेंगे, देन नेटिव डिस्ट्रिक्ट मीन्स अगर आप बेंगलोर में रह रहे हैं और आप शिमोगा के हैं तो शिमोगा आपका नेटिव डिस्ट्रिक्ट होगा, और ये आपका जो है जो बेंगलोर होगा आपका ये एड्रेस में होगा, यानी आपका मेन जो डिस्ट्रिक्ट है वो होगा। फिर ईमेल आईडी आप इंटर करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे, देन आधार नंबर, ये आपका डिटेल्स हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप कैटेगरी करेंगे। कैटेगरी में बहुत सी कैटेगरी, लेकिन मुसलमानों के लिए जो नॉर्मल कैटेगरी 2B कैटेगरी होती है, इसलिए आप इसमें 2B की कैटेगरी और जो जनरल में वो जनरल सेक कर सकते हैं। देन अगर कोई सब कास्ट है वो आप इंटर करेंगे। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू है अगर, तो उसका डेट कब इशू है वो डेट आपको इंटर करना है। आपको हाइट इंटर करना है अपनी, और हाइट आपकी अगर मर्द है 168 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, अगर औरत है तो 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद वेट है, वेट 45 kg एंड अबव होना चाहिए। उसके बाद है अगर एक सर्विसमैन है तो यस की दी, अदरवाइज नो करिए। रूलर है तो यस किए, नो करिए। कनाडा मीडियम से आपने पढ़ा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर प्रोजेक्ट डिस्प्लेड पर्सन रजिस्ट्रेशन है उसमें यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप कल्याण कर्नाटका रीजन से बिलोंग करते हैं, ये रीजन है जिसमें कई एरिया आते हैं, अगर है तो यस करिए या तो नो करिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। सेम डेट ऑफ बर्थ आप लिखिए। फिर अगर आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं तो उसमें यस करिए, अदरवाइज नो करिए। सेम अगर आप डिपार्टमेंट इंक्वायरी में हैं, यस करिए, अदरवाइज नो करिए। अगर आपको किसी में सज़ा मिली है तो यस कीजिए या नो करिए। इसके अलावा आपने अगर जो है कनाडा लैंग्वेज को SLC में फर्स्ट या सेकेंड लैंग्वेज की तरह लिखा है तो यस करिए। फिर अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आप यस करिए। जब डिग्री होल्डर आप यस करते हैं तो उसमें कई चीज़ आपको देना पड़ता है, किस साल में डिग्री आपने किया, किस तरह की डिग्री किया, यानी ग्रेजुएशन जो आपने किया है वो BA है, BCom है, कॉमर्स है, ईयर कब पास किया आपने, रेगुलर किया है कि डिस्टेंस एजुकेशन से किया है, परसेंटेज कितना है, फाइनल डिग्री कब आपकी अनाउंस की गई, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, वो यूनिवर्सिटी किस स्टेट में, वो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपको करना पड़ेगा। उसके साथ आपको फिर अपलोड जो करने वाली चीज़ें हैं उसमें आपको आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, फिर कोई 2 मास आपके जो बदन पे कोई स्केयर है जो मास है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर अगर आप पिछली बार में आपने अप्लाई करी है यस करिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए इसमें। और फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, अपनी सिग्नेचर अपलोड करना है, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है, फिर आपका थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद इतना होने के बाद आप इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो इतनी डिटेल्स हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप न्यूज़ कमेटी से राब्ता कायम करिए। वैसे डिटेल्स आपको बताया जा सकता है, न्यूज़ कमेटी का नंबर है 9110400177। आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी पूरी मदद की जाएगी। खुदा हाफिज़।